तो बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं क्वेश्चन कि यहाँ पे यूके मूव होने के लिए कितनी सैलरी इनफ होगी, कि अगर हम अकेले आ रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, अपने बच्चे के साथ आ रहे हैं, तो कितनी सैलरी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ हैं, तो डिफरेंट सिटीज़ के कारण वहाँ के खर्चे भी डिफरेंट डिफरेंट हैं। जैसे मेट्रो सिटीज़ होती हैं इंडिया में, जैसे कि दिल्ली बेंगलोर है, उनके खर्चे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू चंडीगढ़ हो गया या पुणे हो गया। उसी तरह यहाँ पे सबसे जो एक्सपेंसिव सिटी पड़ती है वो है लंदन, देन आती है मैनचेस्टर एंड ग्लासगो। तो मैं उसी के वहाँ पे खर्चे आपको बताऊंगा और उसी हिसाब से बताऊंगा कि अगर आप इन शहरों में आ रहे हैं तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूके की जो एवरेज सैलरी है, जो कि हर जॉब को कंबाइन करके और जितने भी मतलब यहाँ पे सैलरीज होती हैं उसको मिला के नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड करके जो सैलरी आती है, यूके में अगर आप 31,000 सैलरी ले रहे हैं, 31,000 पाउंड पर ईयर, तो उसको एज एन एवरेज सैलरी माना जाता है। और कंपेयर टू दिस, और अगर मैं लंदन की बात करूं, तो लंदन, जैसे कि लंदन के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो लंदन में एवरेज सैलरी है 40K। बट आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कितनी सैलरी सही होगी अगर आप मूव हो रहे हैं यूके में? तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे पहले तीन लोगों में, कि जो लोग सिंगल आते हैं, जो लोग मैरिड आते हैं या जिनके बच्चे भी हैं। सेकेंडली, किस सिटी में रहना चाहते हैं, लंदन, मैनचेस्टर या ग्लासगो। तो आपकी एक्चुअल सैलरी कितनी होनी चाहिए उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें जो जॉट डाउन करी हैं वो ये हैं कि पहले कि आपको कितना रेंट भरना पड़ेगा उस सिटी में, सेकेंडली आपकी ग्रॉसरीज के कितने खर्चे होंगे, थर्डली आपकी यूटिलिटीज़ के कितने खर्चे होंगे, और प्लस उसके बाद मिसलेनियस की ईटिंग आउट हो गया जैसे, या घूमना हो गया, जिम के खर्चे, फ़ोन के खर्चे या इसी तरह के जो खर्चे होते हैं उसको मिला के, प्लस आप कुछ सेविंग भी जिस अमाउंट पे कर सकें। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग मूव होते हैं यूके में, वो है लंदन सिटी। लंदन सिटी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो उसका पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगल लोग जो लंदन में मूव होते हैं, तो अगर वो रेंट पे रहना चाहते हैं तो वो दो तरह की अकोमोडेशन ले सकते हैं, या तो वो शेयर्ड होगी या वो अपना इंडिविजुअल अपना स्टूडियो ले सकते हैं, वन बेडरूम एटलीस्ट ले सकते हैं अपना। तो अगर मैं वहाँ के रेंट की बात करूँ, जो कि रिसेंट टाइम्स में बहुत बढ़ गया है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल आपका शेयर्ड रेंट है वो स्टार्ट होगा 1800 से, और अगर आपको स्टूडियो या वन बेडरूम लेना है तो वो स्टार्ट होगा आपका 1200 से। तो मैं मोटा मोटा लेके चल रहा हूँ 800 से 1200 के बीच में आपके रेंट के खर्चे होंगे। सेकेंडली, ग्रॉसरीज़ की बात कर लेते हैं, 300 के आसपास आपकी, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी 300 खर्चा हो जाएगा ग्रॉसरीज़ का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूटिलिटीज़ की। यूटिलिटीज़ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका बिजली, हीटिंग, गैस और इंटरनेट और वाटर, ये चार मोटी मोटी चीज़ें हैं जिसका आपका खर्चा आएगा। तो यूटिलिटीज़ का लगभग अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं और अकेले हैं तो 200 पाउंड के आसपास आपका उसका खर्चा आएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं काउंसिल, जो कि हर एक में भरना पड़ता है, शेयर्ड अकोमोडेशन में नहीं भरना पड़ता, लेकिन अगर आप अपना वन बेडरूम अपार्टमेंट लेंगे या स्टूडियो लेंगे तो आपको उसमें काउंसिल भरना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज 120-130 से लेके 200 तक स्टार्ट हो जाता है, और वन अगर आप सिंगल हैं तो आप उस 25% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और लंदन में ट्रांसपोर्ट थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है कंपेयर टू अदर सिटीज़, तो यहाँ के जो खर्चे हैं ट्रांसपोर्ट के लगभग आप 200 पाउंड तो मान ही लें, चाहे अगर आपको डेली नहीं भी जाना है ऑफिस, अगर आप घूमने भी निकलते हैं एक मंथ में तो आपका 200 पाउंड के आसपास खर्चा हो ही जाता है। इन सबका टोटल कर लें तो टोटल होगा 1650, तो 1650 से लेके 2100 तक आपका खर्चा कहीं भी हो सकता है। तो ये आपकी खर्चे की ब्रैकेट है। तो अगर आप सिंगल हैं, अगर आप यूके में स्पेशली लंदन में मूव होना चाह रहे हैं, तो अगर आपको जो सैलरी आप देखना चाहें, तो आपको अगर 50,000 के आसपास सैलरी मिल रही है तो आप सोच सकते हैं यूके आने का। तो सेकंडली बात कर लेते हैं जो मैरिड कपल हैं जिनके अभी बच्चे नहीं हैं, तो उनके केस में गेस मिनिमम वन बेडरूम तो हर कोई जाता ही है, तो मिनिमम वन बेडरूम का जो आजकल रेट चल रहा है वो चल रहा है 1500, और मैक्सिमम गोज अप टू 2000-2200 एज वेल। तो ग्रॉसरी का खर्चा आसपास 500 पाउंड के आसपास आएगा अगर दो लोग हैं। थर्डली, जो यूटिलिटीज़ हैं, यूटिलिटीज़ का भी खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है जब आप दो लोग रह रहे हो, तो अराउंड 400 के आसपास आपका यूटिलिटी का खर्चा आएगा। काउंसिल टैक्स अगेन वही रहेगा 150-200 के बीच में। ट्रांसपोर्ट ऑब्वियसली दो लोग हैं तो डबल हो जाएगा, तो 400 पाउंड आप ट्रांसपोर्ट का भी मान सकते हैं अगर दोनों लोग ट्रैवल करने वाले हैं। तो टोटल जो खर्चा बैठता है वो बैठता है 2950 से लेके 3500 पाउंड के बीच में आपका टोटल एक्सपेंस होगा एक मंथ का। तो आप अगर सैलरी सोच के चलें तो 65,000 से 70,000 पाउंड एटलीस्ट आप दोनों की एटलीस्ट कंबाइंड सैलरी जितनी होनी चाहिए मिनिमम, तभी आप लंदन मूव होने का सोचें। थर्डली बात कर लेते हैं जिन लोगों के बच्चे भी हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आप एटलीस्ट टू बेडरूम में, वन बेडरूम में भी रह सकते हैं, बट लोग प्रेफर करते हैं टू बेडरूम ले लें, थोड़ी स्पेस हो जाए। जिनके बच्चे 5 साल से कम है, 5 साल से ज़्यादा है, तो वो भी मैटर करता है। तो मैं एक मोटा मोटा आपको एवरेज ले रहा हूँ कि 1500 से लेके 2300-2400 तक यहाँ पे रेंट है टू बेडरूम के इस टाइम पे। ग्रॉसरीज की बात करें, बच्चों के साथ थोड़े खर्चे बढ़ जाते हैं, तो 650 के आसपास आप ग्रॉसरी मान लीजिए। काउंसिल वही रहेगा 150-200 पाउंड के आसपास उसके बीच में। ट्रांसपोर्ट आपका वही 400, क्योंकि बच्चों का कोई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं होता है। जिन लोगों के बच्चे 3 साल की उम्र से
कम है, जो अभी स्कूल जाना शुरू नहीं हुए हैं, तो उनको डे केयर चाहिए होगा। तो डे केयर के यहाँ प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव हैं, 1200 से 1500 ऑन एवरेज रेट है। बट ये आपको मैं 5 दिन हर हफ्ते में जाने का रेट बता रहा हूँ, कम भी हो सकता है अगर आप अपने बच्चे को 2 या 3 दिन भेजना चाहते हो। ये सारे खर्चे मिला के जब आप बच्चे के साथ आएँ तो मान के चलिए आपका जो खर्चा होगा 4300 से लेके 5600 तक आपका खर्चा होगा। उस केस में अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं और या आप अकेले वर्किंग हैं, तो सोच के चलिए कम से कम 80,000 से 1,00,000 pounds तक आपकी सैलरीज होनी चाहिए लंदन में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैनचेस्टर की। ग्रॉसरीज का और यूटिलिटीज का खर्चा सबका सेम ही रहता है इन सिटीज में। मेनली जो डिफरेंस आता है वो रेंट का आता है, जो आप अपार्टमेंट या घर को आप रेंट पे लेना चाहते हैं, क्योंकि सिटी वाइज होता है कि लंदन महंगे है, मैनचेस्टर सस्ता है और ग्लासगो उससे सस्ता है। तो रेंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो सिंगल लोग हैं उनका रेंट पड़ेगा अराउंड 500 से 900 तक मैनचेस्टर में, और मैरिड लोग हैं अगर तो उनका रेंट पड़ेगा आसपास 900 से लेके 1300 तक, और अगर आप बच्चे के साथ हैं तो वो सेम 900 से 1300 तक के बीच में पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन आप 1 bedroom लेना चाहते हैं 2 bedroom लेना चाहते हैं। ग्रॉसरीज का वही है मोटा मोटा £300। मैनचेस्टर काफ़ी छोटी सिटी है तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपका थोड़ा कम हो जाएगा, तो आप मान के चलिए कि £100 के आसपास ऑन एन एवरेज एक बंदे का लगता है। तो दो लोग रह रहे हैं तो £200 हो जाएगा, अगर अकेला रह रहे हैं तो £100 हो जाएगा। तो खर्चा जो मैंने मोटा मोटा बनाया है, अगर आप सिंगल हैं तो 1250 लेके 1800 तक आप मैनचेस्टर में एक महीने में खर्चा कर सकते हैं, मैरिड हैं तो 2350 से लेके 2800 तक आपका खर्चा जा सकता है, और बच्चे के साथ हैं डे केयर वाले तो उसका 3300 से लेके 4000 तक आपका खर्चा जा सकता है। तो अगर आप मैनचेस्टर आ रहे हैं तो मैनचेस्टर सोच के चलिए कि अगर सिंगल हैं तो 40,000 आपकी सैलरी होनी चाहिए मिनिमम, और अगर आप मैरिड हैं तो 55,000 से लेके 60,000 तक आप सोच सकते हैं मूव होने का, और अगर आप बच्चे के साथ हैं 60 से लेके 75,000 तक आपकी सैलरीज होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो लोग ग्लासगो मूव होना चाहते हैं। तो ग्लासगो एक्चुअली पड़ता है स्कॉटलैंड में, तो स्कॉटलैंड के थोड़े खर्चे अलग हो जाते हैं इंग्लैंड से। मैनचेस्टर और लंदन इंग्लैंड में पड़ता है और ग्लासगो जो है वो स्कॉटलैंड में पड़ता है। तो जो ग्लासगो के रेंट हैं वो थोड़े और सस्ते हो जाते हैं मैनचेस्टर से। अगर आप सिंगल हैं तो आप 400 से 800 के आसपास आप रेंट देख सकते हैं। सेकंडली अगर आप मैरिड हैं तो 800 से लेके 1000 के आसपास आप सोच सकते हैं कि आपका जो रेंट होगा वो होगा, और विद किड भी आपका 800 से लेके अगर आप और बड़ा घर लेना चाहते हैं तो 1200 मैक्सिमम मान लीजिए कि आप इतने तक आप 2 bedroom घर ले सकते हैं या अपार्टमेंट ले सकते हैं। ग्रॉसरीज अगेन सेम रहेगा, यूटिलिटीज़ भी आपका वही सेम रहेगा किसी भी सिटी में। काउंसिल टैक्स थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पे, तो उसके हिसाब से थोड़े से खर्चे बढ़ जाते हैं, बट रेंट थोड़ा कम है तो कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाता है वो। और ट्रांसपोर्ट फिर से वही कि छोटी सिटी है तो आप £100 मान के चलिए पर पर्सन आपका खर्चा होगा, अगर घूमने जाते हैं आप सिटी में या आप ऑफिस जाते हैं तो इतना महंगा नहीं है। डे केयर अगेन वही खर्चा है 1200-1500 आप मान के चलिए आप बच्चे के साथ अगर आते हैं तो। टोटल जो खर्चा है अगर आप सिंगल हैं तो आपका आ सकता है 1150 से लेके 1900 तक, और अगर आप मैरिड हैं 2250 से लेके 2500 तक आपका खर्चा आ सकता है, और आप अगर बच्चे के साथ आते हैं तो 3200 से लेके 3900 तक आपका स्कॉटलैंड में खर्चा हो सकता है। तो जो सैलरीज हैं वो आप मान के चल सकते हैं कि अगर आप सिंगल हैं 40,000 आपके पास आनी चाहिए, और मैरिड हैं तो 55,000 से 60,000 तक में आप मूव होने की सोच सकते हैं, और अगर आप विद बच्चे के साथ हैं तो 60,000 से लेके 75,000 तक आपकी सैलरीज होनी चाहिए। तो ये सारी कैलकुलेशन मैंने बनाई है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, जो उनके खर्चे आते हैं उससे मैंने इंस्पिरेशन लेके ये आपके पास डेटा कलेक्ट करके आपको दिया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको हेल्पफुल लगे आपको डिसाइड करने में कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या कितनी मिनिमम सैलरी आपकी होनी ही चाहिए इन सिटीज़ में मूव होने के लिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो आपको पता ही है। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय। 25 स्कूल तो छुट्टी हुई, बड़ा रोला पाने ने इत्थे, यही गल है। इत्थे के लोग ने चले जाओ कंजरो, चले जाओ, टाइम वेस्ट ना करो मेरा।